यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगता है सभी पूर्ण होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लखीसराय के अशोक धाम मंदिर की। जितना ये निकला है ना, ये मूर्ति सभी इसी कुएं से निकला है ये है, और अभी भी आग इसमें जल रहा है। बताया जाता है कि इसमें आग हमेशा जलते ही रहता है, बुझता ही नहीं है। क्या देखिए, तो देखिए और ये रहे हमारे भोले बाबा का मंदिर। और ये देखिए, ये अपने आप में इतना फेमस मंदिर है ना, ये मनोकामना पूर्ण मंदिर है। यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देखिए, अभी हम हैं फिलहाल, देखिए हमारे पीछे मार्केट दिख रहा है, और अभी हम हैं फिलहाल बिहार के लखीसराय में। और आज आप लोग को दिखाने वाले हैं एक ऐसा मंदिर जो कि अपने आप में फेमस है, और बहुत ही मतलब क्या बोल रहे, जहाँ पे जो भी मनोकामना मांगता है सभी पूर्ण होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लखीसराय के अशोक धाम मंदिर की। तो हम आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे मतलब आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि हमारे बड़ी फुआ का जो पोता है उनका मुंडन है, तो वहाँ पे एक मतलब बढ़िया वाला मंदिर में भी हुआ है, और अशोक धाम के मंदिर में भी है उनका मुंडन, मतलब एक लड जो लिया जाता है वो है। तो सोचे चलिए आप लोग को ब्लॉग दे देते हैं, ये इतना फेमस मंदिर है। और ये मंदिर जो है ना, श्री इंद्र मनेश्वर महादेव मंदिर, मतलब भोला बाबा का ही मंदिर है, लेकिन बहुत ही मनोकामना पूर्ण है। तो चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं, फिलहाल अभी हम बाहर में खड़े हैं, और क्या है इस मंदिर का खासियत आप लोग को अंदर जाके बताते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है। चलिए हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। चलिए एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए, चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहते हैं ये मंदिर का, देखिए यहाँ पर लिखा गया है श्री इंद्र मनेश्वर महादेव मंदिर, और ये अपने आप में एक बहुत फेमस मंदिर है। और ये है मंदिर का मेन गेट, यहाँ से एंट्री लीजिए और अंदर चलेंगे। और दोपहर के, अभी जानते हैं कितना बज रहा है, दोपहर के बज रहा है 2:30, और धूप बहुत तेज़ है। तो हम सोचे आप लोग को स्टार्टिंग से ब्लॉग दे दें, तो यहाँ से ही हम देखिए अभी चल रहे हैं मंदिर के अंदर। और अगर आप लोग को यहाँ आना होगा तो लखीसराय जंक्शन मतलब स्टेशन उतरिए, और यहाँ से आइए अशोक धाम मंदिर। चलिए अब अंदर लेके चलते हैं बिना देरी किए हुए। और तो देखिए ऐसा है कुछ मंदिर के मतलब सामने मार्केट, जहाँ पर प्रसाद वरसाद नाश्ता वास्ता मिलता है, और ये आपका मेन गेट। तो चलिए मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे जैसे आएंगे गाड़ी का मतलब यहाँ पे दिया गया है, गाड़ी अंदर बहुत बड़ा पार्किंग है गाड़ी के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ आवश्यक सूचना दिया गया है। जैसे आप गेट के पास घुसिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे फूल वूल मिलते हैं, और उधर एक बाबा हैं वो चिट्ठा कुछ काटते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा गया है मंदिर के गर्भगृह में क्या क्या मना है वो दिया गया है। अगरबत्ती धूप बत्ती का या दिया जलाना मना है, पूजा सिर्फ जल बेलपत्र से करें। बाकी देख लीजिए जो भी चीज़ है इसके अंदर, और जैसे ही आप यहाँ से अंदर इन कीजिएगा, इन करने के बाद देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है फ्रेंड्स। देखिए ये आपका नज़ारा है मंदिर का, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर का व्यू। इधर आप लोग का शौचालय जो आप लोग कर सकते हैं, चलिए इनको। और देखिए इधर माता पार्वती का मंदिर है, वहाँ पर माता पार्वती का मंदिर, और सामने ही है, हाँ देखिए यहाँ पे भी कुछ दिया गया है श्री इंद्र मनेश्वर महादेव ट्रस्ट के बारे में, यहाँ दिया गया, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, विवाह के बारे में है, मुंडन के बारे में है, जनों सब कुछ दिया गया है, यहाँ पढ़ लीजिए। तो चलिए मंदिर का मेन गेट वहाँ है भोले बाबा का, इधर गाड़ी वाड़ी का पार्किंग है। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं, तो अभी हमारी जो पूरी फैमिली है वो अंदर बैठी हुई है, तो आप लोग को ब्लॉग देना था इसीलिए हम यहाँ से स्टार्टिंग किए। देखिए अंदर आने के बाद बहुत बड़ा पार्किंग है, और ये रहे हमारे भोले बाबा का मंदिर। और ये देखिए, ये अपने आप में इतना फेमस मंदिर है ना, ये मनोकामना पूर्ण मंदिर है। यहाँ पे आएंगे तो सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे, तो देख लीजिए ये मंदिर की खासियत। और इधर भी देखिए बहुत सारे मतलब आवश्यक सूचना को लिखे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा है, यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है, पानी पीने के लिए वहाँ आपको मिल जाएगा इतना तेज़ धूप में। तो चलिए चल रहे हैं इस ओर, फिर आप लोग को बाबा का दर्शन करवाते हैं, और हमारी फैमिली जो है वो अंदर बैठी हुई है, तो वहीं आप लोग से सभी से मिलवाएंगे। तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और आप लोग को ब्लॉग दे रहे हैं अशोक धाम मंदिर का। तो देखिए आप लोग को आना है तो लखीसराय स्टेशन उतरिए, और यहाँ पे आप आके दर्शन कीजिए। अभी दोपहर के टाइम में कितना भीड़ है, क्या है मंदिर के अंदर वो आप लोग को दिखाते हैं। चलिए देखिए ऊपर सामने का व्यू देखिए आप लोग, और यहाँ देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, पार्किंग एरिया है ये। चलिए अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है भाई। ये देखिए सूरज भगवान अपने धूप की रोशनी से सभी को जला रहे हैं।
तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो देखिए जैसे मंदिर के मतलब अंदर आएंगे तो यहाँ देखिए भीड़, और यहाँ पे भी मुंडन वालों का बहुत भीड़ है, और यह भी मनोकामना पूर्ण मंदिर है, तो जो भी मनोकामना मांगना हो आप लोग को आप लोग मांग सकते हैं बाबा से। देखिए ये मंदिर के पीछे वाला गेट का रास्ता है, और सामने से सामने वाला रास्ता है, और उधर है माता पार्वती का मंदिर। चलिए तो देखिए यहाँ जब आएंगे तो यहाँ भी कुछ कुछ लिखा गया, और यहाँ पे कुछ स्टेज टाइप का बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया है, पढ़ लीजिए आप लोग। और अंदर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टेज बनाया गया है, मतलब कोई प्रोग्राम वोग्राम के लिए यहाँ पे स्टेज बनाया गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अंदर लेके दिखाते हैं आप लोग को, अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के बाद दिखाते हैं कैसा भी। देखिए अंदर आएंगे तो यहाँ दान पत्र का काउंटर है, टिकट काउंटर है, टिकट कटाइए। देखिए यहाँ आराम करने के लिए देखिए खिड़की पंखा पूरी तरह से लगा हुआ है, और सामने स्टेज बना हुआ है, देखिए कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। तो देखिए बाहर इतना तेज़ धूप है ना क्या ही बताएं, लेकिन जो हमारी जो फैमिली आई हुई है देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सब। देखिए यहाँ पे भाभी पंखा चल रहे हैं, और जबकि पंखा चल रहा है ऊपर, देखिए पंखा चल रहा है ऊपर, फिर भी गर्मी का प्रभाव देखिए। चलिए यहाँ पे भी मुंडन का कार्यक्रम शुरू होगा, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये अशोक धाम का मंदिर आप लोग का लखीसराय स्टेशन के बस पास में ही है, और बहुत ही अपने आप में फेमस है ये मानो। इसी के जगह में देखिए माता रानी का मंदिर है, देखिए माँ दुर्गा मंदिर, और माँ दुर्गा मंदिर आशीर्वाद चलिए ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए गेट तो बंद है, लेकिन यहाँ पे इतना चुनरी का मतलब मन्नत का बंधा हुआ है ना क्या बताएं। देखिए आप लोग को दिखाते हैं, देखिए देखिए ये सिर्फ मन्नत वाला सिर्फ चुनरी बंधा हुआ है, देखिए देख लीजिए। ये दुर्गा माता का मंदिर है इस अशोक धाम में, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही भव्य मंदिर। देखिए सामने भी है मंदिर परिसर में जहाँ तहाँ भोजन एवं गंदगी ना फैलाए, अन्यथा 200 रुपये के देने के भागी होंगे। देखिए यहाँ पे जो ये मंदिर है ना, देखिए बिल्कुल पत्थरों में है भगवान का निवास, देखिए पत्थरों में है सभी, देखिए सभी जितने चित्र आपको दिख रहे हैं सभी पत्थरों में है। देखिए ये अशोक धाम की सबसे भव्य और शिला वाला मंदिर, मतलब ये पत्थरों में मूर्ति बना हुआ है। देखिए चलिए आप लोग थोड़ा और थोड़ा सामने से दिखाते हैं, ये देखिए और बहुत ही ज़बरदस्त। तो देखिए यहाँ पे दान पात्र का हुंडी है, मतलब जो दान पात्र में दिया जाता है, और यहाँ पे देखिए ये कुछ हवन कुंड का बनाया गया है हवन करने के लिए, देखिए। और अभी भी आग इसमें जल रहा है, बताया जाता है कि इसमें आग हमेशा जलते ही रहता है, बुझता ही नहीं है। देखिए अभी देखिए कोई भी एक भी लोग नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये हवन कुंड का अभी देखिए आग अभी भी चल रहा है, आप लोगों को देखिए धुआं दिख रहा है, देखिए तो ये आग हमेशा जलता ही रहता है। तो देखिए उधर भोले बाबा का मंदिर और इधर माता पार्वती का मंदिर, और इस तो देखिए मुंडन का जो मतलब कार्यक्रम है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखिए पंडित जी इधर बैठे हुए हैं और इधर भैया भाभी बैठे हैं। तो देखिए इस अशोक धाम में आप लोग को एक ऐसी जबरदस्त चीज दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे कुआं मिला है, देखिए कितना जबरदस्त कुआं है, ये देखिए बहुत पुराना कुआं, और इसके अंदर गहराई का पता नहीं है भैया। तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं कि जितना वहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जितना शिला वाला वो दिख रहा है आपको मूर्ति, सब इसी कुआं से निकला हुआ है। तो अभी एक पंडित जी थे वही बताए हैं कि यही इसी से निकला हुआ है वहाँ पे जितना, तो इसीलिए इस कुएं का भी पूजा किया जाता है। देखिए जितना ये निकला है ना ये मूर्ति,
सभी इसी कुएं से निकला है। यह है अशोक धाम का उस कुएं से निकला हुआ मूर्ति। चलिए ये जानकारी आप लोग कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अभी लगभग सभी मंदिर का जो मेन द्वार होता है वो बंद दिख रहा है दोपहर के टाइम में, तो खुलता है तो फिर दर्शन करवाते हैं अंदर जाके, नहीं तो फिर आप लोग को बाहर से ही व्यू दिखाते हैं। देखिए सामने नंदी जी हैं, ये देखिए मतलब ये मंदिर का मतलब कुछ पेंट वेंट हो रहा है, रंगाई हो रहा है, तो बांस वांस का दिया गया घेरा देखिए। और यहीं पर नंदी जी है, मतलब उधर शंकर भगवान, इधर नंदी जी और इधर माता पार्वती जी हैं। चलिए थोड़ा कुछ काम है, इस काम को ख़त्म करते हैं फिर आप लोग को अंदर से भी दिखाते हैं। तो देखिए मुंडन का यहाँ पे चल रहा है, और गर्मी इतना तेज है ना क्या बताएं, पंखा भी है लेकिन सही से वर्क कर नहीं रहा है। कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पूजा चल रहा है। तो देखिए मुंडन का जो लास्ट बीध होता है ये हो रहा है। और गीत गाने वाले लोग गीत गा रहे हैं बड़े मजे, इतना गर्मी भी है लेकिन गीत गाना नहीं छोड़ रहे। तो देखिए मंदिर में ये रस्म है, रस्म चल रहा है। बहुत लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए गोलू को प्रणब पटेल। तो देखिए फ्रेंड्स उधर मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है, सोचे आप लोग को तब तक इधर भोलेनाथ का मंदिर का दर्शन करवा दें। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है तो अभी अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है मंदिर में, और अभी शायद मंदिर के अंदर प्रवेश बहुत लोग नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं आदमी लोग, तो सोचे जूता डाले हुए हैं तो अंदर जाएँ या ना जाएँ। देखिए आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं लेकिन यहाँ से भोले बाबा का दर्शन आप कर सकते हैं। और इधर नंदी जी का देखिए, यहाँ पे सामने है नंदी जी, देखिए ये है नंदी जी। और इधर है माता पार्वती का मंदिर, आप लोगों को दुर्गा माता का मंदिर दिखा दिए, तो इधर है माता पार्वती का मंदिर। और माता पार्वती का मंदिर अभी फ़िलहाल शायद बंद है, भोलेनाथ का मंदिर खुला हुआ है। और ये देखिए नंदी जी, तो ये हैं सबके कर्ता धर्ता, भोले बाबा के सवारी हैं ये, तो भोले बाबा के सवारी हैं। तो नंदी जी को आप लोग जल्दी जल्दी से नंदी जी से आशीर्वाद ले लीजिए, और जो भी मनोकामना हो नंदी जी से मांग लीजिए, भोले बाबा तक ये आपके मनोकामना को पहुंचा देंगे। तो चलिए ये है मंदिर का कुछ भव्य नज़ारा है, ऐसा गेट और ऐसा है कुछ दृश्य। चलिए और भी अभी आप लोगों को दर्शन कराएंगे, तो फिलहाल मुंडन का वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है तो उसको भी वीडियो में कवर करना होता है, इसी कारण से फिर आप लोग को इधर का भी ब्लॉग दे दिए। तो चलिए देखिए मुंडन का दर्शन चल रहा है। और ये जो पूरा मंदिर होगा ये बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में होगा। ये जो सामने आ गए हैं, ये जो बड़े बड़े मूछ वाले हैं, ये भैया जी के ससुर जी हैं।
ये आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है और बहुत ही मस्त इंसान है। देखिए यहाँ पे मुंडन का जो कार्यक्रम था वो लगभग समापन की हो रहा है। मंदिर भी आप लोग को दिखा चुके हैं। इनके मोज पे आप लोग कमेंट जरूर करिए। और अभी जस्ट मौसम ठंडा ठंडा किया है। तो देखिए आप लोगों को बताना चाहते हैं, मतलब जो मुंडन का जो कार्यक्रम था वो लगभग समापन की हो रहा है। इसके बाद अभी यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं सभी को खाना खिलाना भी है, व्यवस्था है खाना खाने का। तो चलिए ब्लॉग को एंड करेंगे, थोड़ा खाना का भी ब्लॉग आप लोग को दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे अभी, मतलब भाभी जी का जो घर है यहीं पास में ही है, तो उनके पापा जी जो हैं वो मतलब सारा व्यवस्था किए हैं यहीं पर। तो चलिए खाते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो देखिए फाइनली खाना सर्व हो चुका है और खाने वाले खा रहे हैं। और देखिए विकी भैया, तो देखिए जनरेटर भी ऑन हो गया है, लाइट अभी कट गया था और परेशान परेशान तो जनरेटर भी ऑन हुआ है। तो चलिए हम भी अब खाते हैं। तो देखिए हम लोग का खाना हो गया है, जितने लोग बचे हुए हैं वो लोग खाना खा रहे हैं और अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। सभी अंदर खाना खा रहे हैं, फिर अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। और मौसम बाहर का बहुत ही गर्म। तो फ्रेंड्स फाइनली खाना पीना कंप्लीट, आप लोग को मंदिर का ब्लॉग भी दे दिए, यहाँ पे मुंडन का कार्यक्रम था मतलब भतीजा का, आप लोग को ब्लॉग भी दिखा दिए। तो चलिए आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। और इस मंदिर के बारे में, इंद्र दमनेश्वर मंदिर महादेव जी का है, तो जो भी मनोकामना हो आप लोग मांग लीजिए। आप लोग वीडियो की जो भी है और जो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप लोग एक बार दर्शन जरूर कीजिएगा, एक बार विजिट जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, अब इस ब्लॉग को इन करने का टाइम आ गया। हमारे गांव से देख रहे हैं तो दिल से सपोर्ट कीजिए, सुल्तानगंज से देख रहे हैं दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, और बिहार भागलपुर से देख रहे हैं तो जितना उसको उतना सपोर्ट कीजिए। और इस अशोक धाम मंदिर के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, और हो सके फ्रेंड्स तो इस भाई के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी शो हो रहा है, उसे आप फॉलो कीजिए जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।